Hi, welcome to my channel. This video is solving question number 6. Construct a quadrilateral ABCD in which BC is equal to 4 cm, CA is equal to 5.6 cm, AD is equal to 4.5 cm, and CD is equal to 5 cm, and BD is 6.5 cm. Finally, आप समझिएगा यहाँ पर पहले आप रफ स्केच ड्रा करेंगे तो रफ स्केच हमने ड्रा कर लिया और इसके लिए कोई भी मेजर्ड डायमेंशन ड्रा करने की जरूरत नहीं होती है, बिल्कुल आप रफली ऐसे ही ड्रा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर खैर स्केल से यूज़ किया है तो स्केल से भी आप यूज़ कर सकते हैं, फटाफट बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख कर क्या लग रहा है, फाइव पार्ट्स आपको इस क्वाड्रिलेटरल के पता हो गए हैं, टू डायगोनल्स आपको पता है और थ्री साइड्स आपको पता है। तो किसी भी इन तीनों में से एक साइड से आप स्टार्ट कर सकते हैं या फिर कोई भी एक डायगोनल को ड्रा करके स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले एक डायगोनल ड्रा करके स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो एसी को हम ड्रा कर लेते हैं, आफ्टर दैट वी विल फाइंड पॉइंट डी एंड आफ्टर दैट वी विल फाइंड बी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हमने ड्रा कर लिया है एसी 5.6 सेंटीमीटर। अब ए को सेंटर मान करके 4.5 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर के एक आर्क खींचेंगे और दूसरा आर्क खींचेंगे सी पॉइंट से और 5 सेंटीमीटर का रेडियस लेंगे, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आएगा वो आएगा डी। तो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल चुका है और ये है पॉइंट आपका डी। एडी को ज्वाइन कर देंगे और सीडी को भी ज्वाइन कर देंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए और सी से बी पॉइंट तक जाने के लिए आपको दोनों रास्ते नहीं हैं, मतलब ए बी नहीं दिया हुआ है। तो हम यहाँ से देखिए डी बी पता है 6.5 सेंटीमीटर, तो डी को सेंटर मान करके और 6.5 सेंटीमीटर के रेडियस ले करके आप एक आर खींचेंगे, उसके बाद सी पॉइंट से एक आर खींचेंगे जिसका रेडियस होगा 4 सेंटीमीटर, दोनों इंटरसेक्ट करेंगे किस पॉइंट पर, बी पॉइंट पर। ओके, तो आपका नेक्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल चुका है ए और सी के बाद बी, ये हो जाएगा बी पॉइंट, ज्वाइन कर लेंगे ए बी एंड सी बी। ये हमारा क्वाड्रिलेटरल जो है कंस्ट्रक्ट हो चुका है एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। यदि आपको ये कंस्ट्रक्शन अच्छा लगा और आप समझ गए तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, और यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियोस मिलते रहें टाइम पर। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।